हेलो हेलो हेलो। हाँ ध्यान दें, अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की झांकी का दर्शन आप सभी धर्मानुरागी बंधु कर रहे हैं। लीजिए भगवान की आरती का गायन, भगवान के चरणों की पूजा प्रस्तुत है। प्रस्तुत है भगवान की आरतियों का गायन, और जिसके हृदय में श्रद्धा हो भगवान की आरती संपादित कर अपने जीवन को लाभान्वित बनाएगा। लीजिए भगवान की आरती का गायन, प्रस्तुत है व्यासपीठ से। जय जय गणपत वरदानी, जय जय गिरजा महारानी, जय जय शंकर सुखदानी, जय जय बलि हनुमान चतुर सुजान। हरि ओम शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वर्णम शुभांगम। और सभी लोग बड़ी जोरदारी के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए करौली सरकार की, बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की। तो लीजिए भगवान की आरती है, मंच के माध्यम से प्रारंभ है, और भक्त अपने भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा आरती के माध्यम से कर सकते हैं, और व्यासपीठ के माध्यम से श्री रामचरितमानस के दिव्य महापुरुषों की वंदना जिनका गायन व्यासपीठ के द्वारा होगा आप लोग श्रवण करेंगे, आनंद लेंगे। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ श्री रामाय राम भद्राय श्री राम चंद्राय वेद से श्री रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। जीसु मीरत सिद्धि हो गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मोक होई बाचा श्री राम जय राम जय जय राम
पश्चात वंदना के पश्चात अब आपके समक्ष में महाराज श्री विदेहराज जनक जी का राज दरबार लगने जा रहा है। तो अब आपके और हमारे मध्य में योगी राज विदेहराज तीरथ ध्वज मैथिल नरेश हर्ष रोमानंदन श्री महाराज जनक जी पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो और महाराज के दरबार में राज नृत्यांगनाओं के द्वारा राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया जाएगा। आप लोग देखें सुने बोली विदेहराज जी महाराज की। बोली करौली सरकार की। हो
दरबार अंतर्गत आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही सुंदर गायन एवं की बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके, तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजा प्रवासी मंत्रमुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो गायन, तत्पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ नर्तिका हो, एक कुशल गायिका हो। धन्य है तुम्हारा जीवन, प्रशंसो नी है यह तुम्हारी कला, क्योंकि सज्जनों ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसी ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा कठिन परिश्रम किया जाता है, जिसके द्वारा बड़ा संघर्ष किया जाता है, उसी ही यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त होती है। जाओ जाकर के महलों में विश्राम करो, मिथिला की राज सेवक आरती का भव्य थाल सजाओ और हमारे साथ में ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संत और मनुष्यता के समर्थक, शाश्वत का शुभ संदेश देने वाले, हे महाकाल के दिव्य आयुध, आज आप काल के गाल में रख दिए गए हो भगवन। आज तो खंडों में खंड खंड होकर के मेरी प्रण की पूर्ति कर देना, क्योंकि मैंने एक कठिन प्रण ठाना है, प्रण की पूर्ति आपको करानी है। क्योंकि सज्जनों कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है, कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत तो श्वास की होती है। इस संसार में प्रेम तो सभी करते हैं, इस संसार में प्रेम तो सभी करते हैं, परंतु कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। और आपकी विश्वास में मैंने प्रण ठाना है, हे देवता करे दो कृपा, प्रभु आपका मैं हूँ पुजारी, हे साथ तुम्हें हो और मैं हूँ साधको, यह साधना करता तुम्हारी। मैंने कठिन प्रण ठाना है,
कर लिया मैंने कठिन प्रण तो पूर्ण कारीवा ना तुम ही वो मांग भरी जाए सिया की इस मांग को भरवा ना तुम ही। आज मैं आपकी चौखट में मांगने आया हूं तेरी चौखट पे आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पर अब किनारे लगाना तेरा काम है। प्रेमी सज्जनों प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की। लीजिए अब आप सभी लोगों के समक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी शेषावतार श्री लक्ष्मण जी भगवान एवं आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी की झांकी का दर्शन आप सभी लोग श्रवण करें और व्यासपीठ से मंगला चरण का गायन प्रस्तुत है श्रवण करें। रामा मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी हो राम रामा जय सिया राम हो राम रामा जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी हो राम रामा जय सिया राम।
प्री राम सौमित्र लक्ष्मण, बड़ा पावन बड़ा ही पुनीत कालखंड इस समय दृश्य गोचर हो रहा है। भगवान भास्कर का रथ अस्ताचल की ओर चल पड़ा है, ऐसी अनुभूत हो रही है जैसे दिन और रात्रि दोनों आपस में संधि कर रहे हो, मिल रहे हो। इसीलिए इस पावन समय को हम ऋषियों ने बड़ा पुनीत मानकर ईश्वर की आराधना करने का नियम बनाया है। हम चाहते हैं हे राम उधर तो देखो तुम, सूरज अस्ता चल जाता है, दिन और रात की संधि है, ये संध्या समय सुहाता है। छोटो भैया संग में लेकर तुम संधि उपासन कर लीजिए, एकांत शांत चित हो करके सुमिरन हरि हर का कर लीजिए। जाओ दोनों बंधु विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले तो भाई बिछा दो आसनी, हे आर रघुबर हे तू जाती बिछा दो आसनी। भैया लक्ष्मण जी के साथ में गुरुदेव भगवान के आदेश पर संध्या वंदन करते हैं और संध्या वंदन करने के पश्चात जब वापस गुरुदेव भगवान की ओर चले तो गगन मंडल में पूर्व दिशा से और भगवान की नजर पड़ी, चंद्रमा का दर्शन किया और चंद्रमा आज भगवान को सच उयऊ सुहावा, चंद्रमा बड़ा सुंदर लग रहा है भगवान को। क्यों? क्योंकि सीएम चंद्रमा में जानकी जी की छवि का दर्शन भगवान श्री राम जी कर रहे हैं, इसलिए देखि सुख पावा, बड़े हर्षित हुए भगवान श्री राम जी। अब दोनों की तुलना श्री जानकी जी के मुखारविंद की और चंद्रमा की तुलना अपने हृदय में ही भगवान करते हैं, तौल करते हैं। बाहुरी विशाल मनमाही और एक निर्णय लिया किसी बन समहिम करना संध्या वंदन करने के पश्चात मेरी दृष्टि आकाश मंडल की ओर गई और आकाश मंडल में
मैंने कुछ अनोखा दृश्य देखा है। वह अनोखा दृश्य है क्या कि यह जो चंद्रमा है यह मुझसे कहना चाहता है कि राम तू एक बार कह दे कि मैं सीता से अधिक सुंदर हूं। पर ऐ चंद्रमा तुम सीता की समता कभी नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी कैसे करेगा समता सियरूप की है रानी। क्या मैं द्वारा चंद्रमा का दर्शन करने के बाद में निर्णय लिया गया। बहुर विचार कीन मन माही इसी बदन सम हिमकर नाही। बड़ा ही प्यारा गीत राघवेंद्र सरकार के मुखारविंद से आप लोगों ने सुना, प्रभावित हुए हैं। आदरणीय श्री राकेश जी त्रिपाठी
यशोदा नगर से पधारे हुए हैं, आपने 101 पत्र मुद्राओं से राम जी के चरणों की पूजा की है एवं 101 पत्र मुद्राओं से शेषावतार भैया लक्ष्मण जी के चरणों की पूजा की है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखान गुरु मई चले निसा पड़ जान। करि मुनि चरण सरोज प्रणाम आय सुपाई कीन दिसा। श्री राम, अब तो रात्रि का समय हो गया, विश्राम करने का शयन करने का समय है, दोनों बंद अब तुम भी शयन करो। सतानंद रामा सतानंद बाब रामा सतानंद शिवक देखो देखो ना दीप दीपांतर से सभी महिपालों का आगमन हो गया है, परंतु अभी तक पूज्य श्री गुरुदेव का आगमन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं सुंदर सदन जाओ, पूज्य श्री गुरुदेव को हमारे समक्ष लेकर अति शीघ्र आओ। जय श्री आज्ञा महाराज। कौशिक मुनि तुरत पठाए तुरत पठा। पूज श्री गुरुदेव किंकर विदेह का कोटि सहा प्रणाम प्रणीत हो, स्वीकारे मेरा प्रणाम। शुभ मस्त तुरत पठाए। राजा जनक, बुलवाने का हेतु अवगत कराओ। पूज्य श्री गुरुदेव, आपके बुलाने का एक ही प्रयोजन है, देखो देखो ना दीप दीपांतर से सभी महिपालों का आगमन हो गया है, ये सभी महिपाल अपने अपने मंचों में विराजमान हो चुके हैं। चहु दिस कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे महिपाला, परंतु अभी तक वो नहीं आए। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वेद माता गायत्री के परम उपासक, वेदों के दृष्टा तम के तत्वदर्शी, विराटों के महर्षि श्री विश्वामित्र जी के सहित उन दोनों छोटे छोटे सुकुमारों का आगमन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं लाने की कृपा करें। जाओ हम उनको अविलंब ही लेकर के। गौतम के सुमन अहिल्या नंदन मैथिल राजकुल के कुल गुरु, कल भी आप आए थे उस अमराई में, संग सचिव सुचि भूज भट्ट भूसुर भर गुरु ज्ञात, लेकिन उस समय हमारी आपकी कोई मिलन वाली वार्ता नहीं हुई थी। आज आपको इस सुंदर सदन में पाकर मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। कहो कैसे आ रहा हूं? निसंदेह हृदय में प्रबल उत्कंठा थी आपसे मिलन की, आपके दर्शन की, तो एक आने का हमारे पास बहाना भी हो गया। हम
प्रथम में तो अपनी ओर से प्रणाम प्रस्तुत कर रहे थे, अब पुनः आपके इन अमल कमल चरणारविंदों में ये प्रणाम प्रस्तुत है। आशीर्वाद महाराज तीरथ जनक को देकर के अनुग्रहित करने की कृपा करें। राजा जनक ने भी आपके माध्यम से हमें प्रणाम प्रस्तुत किया है, तो राजा जनक के लिए हमारा आशीष है। चिरजीवी भव, कहो आने का हेतु क्या है? आने का हेतु ये है महाराज कि आपको तो पता ही है कि हमारी महाराज की बेटी जानकी का स्वयंवर चल रहा है, जिसमें दीप दीप के नहीं त्रैलोक के वीर एकत्रित हुए हैं, और महाराज का यह हृदय कर रहा है कि आप भी इस सुंदर सदन से उस रंग वन की ओर चलें और चल करके बेटी जानकी का स्वयंवर देखें, अपनी कृपा की कोर करें, ऐसी अनुकंपा हो जाए आपकी। राजा हर से बोल लिए दो भाई। बेटा राम एवं लक्ष्मण ये अहिल्या के पुत्र हैं, ब्राह्मण कुल भूषण हैं, ने ब्रह्म प्रभु इन्होंने तो हमारी माता का उद्धार किया, हमारी माँ पाषाण रूप में थी, आपने ही मेरी माँ का उद्धार इनके चरणों की रज से करवाया। प्रभु बस आपके पुनः इन चरणों में प्रणाम है और दास को आज्ञा दीजिए आने की कृपा कीजिए। सतानंद जी आप चले, मैं अति शीघ्र आने का प्रयास करूं। सतानंद पद पर प्रभु बैठे गुरु पर जाई, चलहु नाम मन कहे भूतब पठेवा जनक बुला। श्री राम सौमित्र लक्ष्मण चलहु तात, अब हमें चलना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए ये नहीं अभी बताया। ये सतानंद जी केवल इसीलिए आए थे कि हमें राजा जनक ने उस मैथिली अधिवेशन में धनुष यज्ञ समारोह में आहूत किया है, बुलाया है। हम भी विचार करते हैं कि सी ये स्वयंवर देखी जाई और ईश काह धौं ते बड़ा लखन कहा यस भाजन सोई। नाथ कृपा तो जापर हुई, हे भगवन जिस पर आपकी कृपा हो वही अस्का पात्र बनेगा, सहारा विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्ति का भागी, अटल अनुभव हमारा है। कहाँ तक तम टिकेगा नाथ, कहाँ तक तम टिकेगा नाथ इस मैथिली स्वयंवर में, जहाँ रविचंद किरणों का उदित नभ में उजाला है, आगे चलकर यश कीर्ति को बढ़ावेंगे, अटल विश्वास है हमारा बड़ाई प्रभु श्री राम पावेंगे, इसलिए सी स्वयंवर देखी जाई इस काह बहुत ही बड़ाई। आइए गुरुजी सीता का स्वयंवर देखने चला जाए, भगवान किसको बड़ाई का पात्र बनाता। हर से मुनि सब सुनि बरे वाणी, जिस समय किसी के द्वारा वर वाणी, वर माने श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ वाणी का प्रयोग लक्ष्मण के द्वारा किया गया, तभी तो हर से मुनि सब जितना मुन मंडल है सभी अर्षित हो गया। हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। आओ चले समेत कृपाला, पुण्य मुन्य वृद समेत कृपाला, देख चले धनुष मत साला, सुधि सब पुण्य
सब लिए हकारी। मिथिला के सुत सेवक महाराज, देखो ना इन दीप दीपांतर से महिपालों के आने के कारण भीड़ अधिक बढ़ रही है, और जहां भीड़ होती है वहां कोलाहल का होना सुनिश्चित हो जाता है। हम चाहते हैं जो जिस वर्ण का महिपाल हो तुरंत सकल लोकन पह जाहू, आसन उचित देव सब काहू। कही मृदु वचन विनीत के आधार पर समस्त महिपालों की यथा उचित बैठारे नर नारी। बैठ जाइए, मिथिला नगर के जितने भी निवासी हैं सब बैठ जाइए। महाराज श्री का आदेश हो गया है, आप लोग बैठ जाइए। हम समझ रहे हैं जिनको देखने के लिए आप लोग इतनी भीड़ बढ़ा रहे हैं, ये भीड़ सिर्फ जिनको देखने के लिए बढ़ा रहे हैं। आप अपने स्थान पर बैठे, यहाँ पर मंच की व्यवस्था है मिथिला नगर के निवासियों के लिए। यहाँ पर दूर दूर से जो राजागण आए हैं वो सभी राजागणों का स्थान सुनिश्चित है, और सभी राजागण 34 कंचन मंच विशाला ये स्वर्ण मंचों पर सभी राजागण बैठे हैं। भीड़ आप लोगों ने बढ़ा रखी है और आप लोगों के बैठने के लिए भी यहाँ पर स्थान की व्यवस्था की गई है। आप लोग उन्हीं स्थानों पर बैठे। सर्वश्रेष्ठ राजेंद्र वीरगण देखने के बाद किसी को देखने का मन भी नहीं चलता। देखो ना अब पल पल